नाउ हम बात करेंगे थोड़ा सा एलगी के क्लासिफिकेशन के बारे में। एलगी का क्लासिफिकेशन किन आधारों पर किया जाता है, वो सात बेसिस अपने को ध्यान रखना है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज द केमिकल एंड द फिजिकल फीचर्स ऑफ द सेल वॉल। तो सेल वॉल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, कलर ऑफ द सेल एंड थैलाई, हैबिटाट, फ्लैजिला नंबर एंड द लोकेशन लोकेशन ऑफ देयर इंसर्शन इन द मोटाइल सेल, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर एंड फूड स्टोरेज सब्सटेंस। आपके किसी भी एग्जाम में मेरे हिसाब से इस वाली चीज पर सबसे ज्यादा प्रश्न किए जाते हैं, उसके अलावा इस पर सबसे ज्यादा प्रश्न किए जाते हैं। दो चीजों को आपको याद करना ही करना है, ये नो ऑप्शन, क्योंकि और कोई क्या क्वेश्चन बनाएगा, यूजुअली उनको ही पता है कि आपने एग्जाम्पल्स तो याद कर रखे हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन की टेबल है और मुझे याद करने में बड़ा जोर आता है, बहुत ज्यादा जोर आता है, तो मुझे लगा कि क्यों ना कुछ नेमोनिक टाइप की या कुछ ट्रिक बनाई जाए। मैंने जो मेजर जो ग्रुप्स हैं एलगी में, सिर्फ उन्हीं के नाम लिखे, वैसे तो काफी लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन है जिसको हम आगे भी डिस्कस कर सकते हैं, बट यहां हम कहेंगे यू पायरो क्रिस फीरो क्लो। यू पायरो क्रिस फीरो क्लो, यू मतलब यूग्लिनोफाइटा, पायरो मतलब पायरोफाइटा, क्रिस मतलब क्राइसोफाइटा, या किस कर लो, ऐसा करो, यू पायरो किस फीरो क्लो, फी फॉर फियोफाइटा, रो फॉर रोडोफाइटा, क्लो फॉर क्लोरोफाइटा। फिर हमने हॉरिजॉन्टली इसको याद करना शुरू किया, ये तो हमने इसको वर्टिकली जो मेजर ग्रुप्स हैं सिर्फ उनके नाम याद किए। हॉरिजॉन्टली हमने इसका नेमोनिक बनाया, यू यू या तो यू बोल रहा है, तू तू एक सेल में दो फ्लैजिला लेकर एबी के साथ क्यों भागा भैया। तू टू यानी कि यूग्लिनोफाइटा, एक सेल मतलब यूनिसेलुलर, दो फ्लैजिला मतलब टू फ्लैजिला, एंड दो फ्लैजिला अलग अलग कर दो, दो फ्लैजिला अलग अलग लेके एबी मतलब क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी के साथ क्यों भागा। ठीक है, के से वैसे तो कैरोटीनॉइड बन जाएगा, एबी के साथ क्यों भागा, तो यूग्लिना हो गया। तो यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनॉइड इज द कॉमन नेम, यूनिसेलुलर, टू फ्लैजिला, वन इज लॉन्ग वन इज शॉर्ट, क्लोरोफिल ए बी कैरोटीनॉइड एंड यूग्लिना। पायरो, पायरो को हमने बोला ए पायरो, पायरो तीनों के साथ एक सेल में दो फ्लैजिला लेकर एसी लगाने कहाँ गया था, क्योंकि गोनी और सेरा तेरे लिए पूछ रहे थे, गोनी और सेरा तेरे लिए पूछ रहे थे। यहां पर वापस से ए पायरो, दिनु मतलब डायनोफ्लेजिलेट, यूनिसेलुलर, टू फ्लेजिला, क्लोरोफिल ए सी, याद रखना है क्लोरोफिल ए सी, और इसमें फ्यूकोजेंथिन भी आएगा जो हम अभी टेबल में आगे दोबारा याद करेंगे। और गोनी सेरा तेरे को पूछ रहे थे, गोनी मतलब गोनियोलेक्स, गोनी गोनियोलेक्स एंड सेरा मीन सेराशियम। किस करो डायटम को, किस करो डायटम की एक सेल को, डायटम की एक सेल को जो बिना चले ही एसी लगा देता है, किसके, फ्रेक्यूलेरिया और पिनुलेरिया के, फ्रेक्यू और पिन्नू, फ्रेक्यू पिन्नू के एसी लगा देता है, यहां पर लिख दीजिए फ्रेक्यू और पिन्नू, फ्रेक्यू और पिन्नू के एसी लगाया था। तो किस करो उस डायटम की एक सेल को जो बिना चले ही एसी लगा देगा, फ्रेक्यू और पिन्नू को, ये आपको याद हो गया। पायरोदीनू की एक सेल को मैं दो एसी लगाए और गोनी सेरा उसको पूछना है। फियो, अरे ए फियो, फियो भूरे रंग के तू, फियो भूरा, याद दिया इसको, याद रखो, फियो भूरा, कई में से दो फ्लेजिला एसी मैक्रो फुक गया, कई में से दो फ्लेजिला के एसी मैक्रो फुक गए, मैक्रो मीन्स मैक्रोसिस्ट, फुक गए मीन्स फ्यूकस। तो फियो मीन्स फियोफाइटा, भूरे रंग का, फियो भूरा, कई में से, कई मतलब कई सेल मतलब मल्टी सेलुलर, दो फ्लेजिला क्लोरोफिल ए एंड सी, फ्यूकस मैक्रो या मैक्रो फुक गया। रोडी लाल, रोडी लाल मतलब रोडोफाइटा, लाल मीन्स रेड एल्गी, एक या कई बिना चले, बिना चले मीन्स देर इज नो नो लोकोमोटरी ऑर्गन, ए तू गाजर खा के लाल क्यों हो गया एरिथ्रिन जैसा, ए तू गाजर खा के लाल क्यों हो गया एरिथ्रिन जैसा, चल पॉलीसाइफोनिया को लेके आए, पॉलीसाइफोनिया को लेके आए, पॉलीसाइफोन वैसे तो मल्टीपल बांसुरियों को लेके आए, साइफोन इज रिलेटेड विद समथिंग ट्यूबर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्लोरो हरे रंग का, क्लोरो हरे रंग का, एक या कई लोग अपनी कई फ्लेजिला को लेकर एबी गाजर खाएं,
वापस से बोलेंगे, क्लोरो हरे रंग के एक या कई लोग अपनी सभी फ्लैजिला के साथ एबी गाजर खाएं, गाजर मतलब कैरोटीन, एबी गाजर खाएं। अब क्लोरोफाइसे की यूजुअली एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है, हम सबसे ज्यादा एक्टिव क्लोरोफाइटर पढ़ने वाले हैं। ये नेमोनिक के तरीके से आप इसको थोड़ा सा याद करने का प्रयास करें, काफी मजा आएगा इसमें।